तो हे व्हाट्स अप गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे अपनी गेम के अंदर यूरोप रोड्स जो होते हैं मोड, उनको कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी GTA 5 के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और मैं आपको दिखलाता हूँ कैसे आपको ये इंस्टॉल करना है। तो गाइस, सबसे पहले आपको करना है क्या है, यहाँ पर आपको ये वाली जो फाइल है इनको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस, ये है हमारी मोड फाइल जो हमें इंस्टॉल करना है और बाकी ये हमें ज़रूरी है इंस्टॉल करनी, क्योंकि गाइस ये जो मोड है कुछ ज़्यादा ही हैवी है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें ये जो फाइल है ज़रूर करनी पड़ेगी इंस्टॉल। गाइस, ये जो फाइलें आपको आगे भी मदद देंगी अगर आप अपनी गेम के अंदर ज़्यादा व्हीकल या कुछ भी ऐड कर लेते हैं ज़्यादातर, तो उसके अंदर ये आपको फाइलें काम देंगी। ये चल जाएगा इसके बिना भी, पर थोड़ी दिक्कत होगी आपको, कभी आपकी हो सकता है गेम ना चले। तो गाइस, उससे बढ़िया आप इसको जो है इंस्टॉल कर लो चारों फाइल को, आपका मोड एकदम बढ़िया चलेगा। तो गाइज़, हम जो है इनको अब अनजिप कर लेते हैं। सो गाइज़, यहाँ पे हमारी जो फाइल है वो अनजिप हो चुकी है। तो हम क्या करते हैं, ये जो फाइल है हमारी इनको हम डिलीट कर देते हैं। सो डिलीट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे हम इनको साइड बाय साइड जो है ओपन खोल कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आपको GTA 5 की मेन डायरेक्टरी में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद गाइज आपको करना है, यहाँ पे आपका जो मोड फोल्डर है इसके अंदर जाना है। इसके अंदर जाने के बाद हमें ये वाला जो फोल्डर मिलेगा, ये वाला, तो हमें क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हमें जाना है मोड्स अपडेट X64 DLC पैक्स। इसके अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। सो गाइस, जितनी भी मैं फाइलें इसमें आपको बताई है उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहाँ से उनको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आपको पेस्ट करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे हम इसको बैक चलते हैं। तो गाइस, बैक जाने के बाद यहाँ पे आपको ये दो फाइल देख रहे हैं आप, इसको जो ओपन करना है। यहाँ पर आपको इन दो फाइल को, पैक फाइल लिमिट एडजस्टर, इन दो फाइल को जो है, एक मिनट इसको हम बैक कर लेते हैं, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है डायरेक्टरी के अंदर। GTA 5 की आपकी जो मेन डायरेक्टरी होगी, यहाँ पे हमारी जो फाइलें ये आ चुकी हैं। इसके बाद आपको बैक जाना है, यहाँ पे हमें हेप एडजस्टर इसको भी लेना है। इन दोनों फाइलों को भी जो है कॉपी कर देना है। यहाँ पे हमारी ये भी फाइल कॉपी हो गई। उसके बाद हमारी बसती गेम कॉन्फिग, इसको हम बाद में करेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मिलेगा हेप एडजस्टर, इसके अंदर आपको यहाँ पर डबल क्लिक करना है इसके ऊपर। गाइस, ध्यान रखना है यहाँ पे आपको जो ये जो मार्क बना हुआ है इस वाले को ही ओपन करना है आपको। उसके बाद आपको इसको यहाँ से 750 को हटा के यहाँ पे आपको 2000 कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव कर देना है। तो गाइस, हमारा यहाँ का काम हो गया। अब हमें क्या करना है, आपको अपना ओपन IV जो है उसको ओपन कर लेना है। इसको क्लोज कर देते हैं। सो गाइस, ये हमारा ओपन IV है जो ओपन हो चुका है। सो गाइस, एडिट मोड ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, सो गाइस यहाँ पे आपको एडिट मोड ऑन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना है मोड्स फोल्डर के अंदर। मोड्स फोल्डर के अंदर आके अपडेट .rpf कॉमन डेटा, इसके अंदर आने के बाद आपको क्या करना है, गेम कॉन्फिग की फाइल के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको अपना वर्जन देख लेना है, ये सारे ओल्डर वर्जन है और ये वाला जो है यहाँ पे ये न्यू वर्ज़न है। तो हम, मेरी जो गेम है पूरी अपडेटेड है, आपकी नहीं है, तो आप यहाँ से अपना वर्ज़न देख लेना और उसी कॉन्फिग फाइल को जो है जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही कर देना। तो हम इस वाले में जाते हैं, हमें जो है और मोड्स डालने हैं, तो हमें यहाँ पे चाहिए 4 more modes। उसके अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको जाना है स्टॉक ट्रैफिक, यहाँ पर आपको मिल जाएगी गेम कॉन्फिग फाइल आपकी, और हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। बस इतना करने के बाद बैक जाना है। यहाँ पे हम सीधा मोड फोल्डर के अंदर जाने के बाद हम इसको बैक कर लेते हैं। तो गाइस, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपडेट के अंदर जाना है, फिर से अपडेट और RPF, फिर यहाँ पे आपको कॉमन डेटा। सो गाइस, यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे देखना है DLC लिस्ट, इसमें जाने के बाद यहाँ पे आपको एडिट मोड में जो इसको ओपन कर लेना है। तो गाइस, जैसे ही ये ओपन होगी यहाँ पे आपको एक लाइन जो है इसकी कॉपी कर लेनी है।
यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम इसको एंटर कर देते हैं लास्ट में करके, तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। सो गाइस इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये जो है इसको कॉपी कर लेना है, इसका जो नेम है। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम इसको सेव कर देना है। सो गाइस यहाँ पे हमारा जो भी मोड था वो इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं आपको गेम रन करके दिखलाता हूँ यहाँ पे जो हमारी गेम है वो कैसी हो चुकी है मोड इंस्टॉल करने के बाद। सो गाइस यहाँ पे हम लोग जो है गेम के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे मैं आपको घर से बाहर जाके दिखलाता हूँ कि हमारी गेम के जो रोड हैं वो कैसे हो चुके हैं। सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइस कितने मस्त रोड हो चुके हैं यहाँ पे। सो गाइस ये जो रोड है आपको मतलब जो ओरिजिनल जो हमारी गेम होती है उसके अंदर आपको ऐसे रोड्स नहीं देखने को मिलते। एक मिनट में यहाँ पे अपनी बाइक उठाता हूँ और हम देखते हैं रोड कैसे हैं। सो गाइस यहाँ पे आप तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मतलब कितने मस्त रोड हो चुके हैं एकदम। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में।